हमारे कचरा पात्र में 50% से अधिक खाद्य और जैविक कचरा होता है। इसे फेंकने की बजाय इसकी खाद बनाएं और अपने बगीचे को एक स्वस्थ और उत्पादक जगह बनाएं। एक कंपोस्ट बिन हमारे बचे कुचे भोजन और जैविक सामग्री को खाद में पुनः चक्रित करने का एक अच्छा विकल्प होता है, जो कि आपकी मिट्टी के लिए भोजन है। एक स्वस्थ मिट्टी आपको स्वस्थ पौधे देगी। जब आप खाद बनाते हैं तो कोई भी चीज बेकार नहीं होती। आपका खाद का डिब्बा अधिकांश जैविक सामग्री को ले जा सकता है, जैसे कि सभी फल और सब्जियां, प्याज और नींबू, संतरा आदि सहित मानव और पशुओं के बाल, पंख, फूल, ताजा और सूखी घास की कतरने, रोटी, वैक्यूम क्लीनर की धूल, खाद, कागज और गत्ता, भूरी पत्तियां, टहनियां और छाल, टी बैग और कॉफी की तलछट। आप अपने रसोई के कचरे को एक छोटे से बर्तन में एकत्रित कर सकते हैं, जिसे रसोई घर में किसी सुविधाजनक स्थान में रखा जा सकता है। सबसे पहले कंपोस्ट बिन के लिए कोई ऐसा स्थान चुनें जो गर्म और धूप वाला हो। आपकी जैविक सामग्री को मिट्टी में बदलने के लिए कंपोस्ट को गर्मी का निर्माण करने की आवश्यकता होती है। किसी आंगन या सामुदायिक बगीचे का स्थान कंपोस्ट बिन के लिए अनुकूल होता है। यदि आपके पास स्थान नहीं है तो आपके लिए एक कृमि फार्म बेहतर अनुकूल हो सकता है। इसके बाद अपने कंपोस्ट बिन में खाद्य कचरे, बगीचे की कतरनों और कागज की परतें लगाएं। अपने कंपोस्ट को नम रखें लेकिन गीला नहीं करें और सप्ताह में एक बार इसे हवा लगाएं या मिलाएं। जब आपका कंपोस्ट काला और भुरभुरा हो जाए लगभग 4 महीने के बाद, तो इसे खोदकर बगीचे, गमलों में या गीली घास के रूप में उपयोग करें। साहसी बने और एक बार करके देखें, आपको स्वयं आश्चर्य हो सकता है। यदि आप और अधिक जानना चाहते हैं तो 9840-9840 पर हॉलराइट सिटी काउंसिल से संपर्क करें या www.envirohcc.newsouthwales.gov.au पर हमारी वेस्ट और पर्यावरणीय वेबसाइट पर जाएं। यह परियोजना वेस्ट लेवी से वित्त पोषित न्यू साउथ वेल्स EPA की वेस्ट लेस रिसाइकल मोर पहल के भाग के रूप में एनवायरमेंटल ट्रस्ट द्वारा समर्थित है।